चुकी है इसमें, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर रजौरी है जो बड़े दावे करते हैं कि भाई मैं बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो बताओ ये इलीगल माइनिंग कैसे हो रही है। रात को दुनिया के जो है टिपरों से और ट्रैक्टरों से भरा हुआ होता है, ये जो बड़े डंपर आए हुए हैं इनके खिलाफ जो है वो डिप्टी कमिश्नर रजौरी अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाहे DMO रजौरी है जो इलीगल माइनिंग का डिपार्टमेंट है वो क्या देख रहा है। कुछ पुलिस ऑफिसर भी ऐसे हैं कुछ चौकियों में कुछ थानों में जो साथ होकर इलीगल माइनिंग करा, ऐसे ही जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उन्होंने रखे हैं, वो आके उसकी सपोर्ट में कहते हैं जी सब बहुत अच्छे हैं। भाई जी सब अच्छे हैं तो ये इलीगल माइनिंग कैसे हो रही है? मैं उन लोगों के हमारी बात ही, मेरी डिप्टी कमिश्नर रजौरी के साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, मेरी एक बात है, मैं कहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब आपको यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के आप मालिक हैं, आप ऑफिसर हैं, आपका काम है अगर कोई भी इलीगल काम इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा तो आपने रोक। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के पूर्व MLC सुरेंद्र चौधरी जी, जो हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं और जम्मू की आवाज बने हैं, जम्मू कश्मीर की आवाज बन के हमेशा आगे आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जिला राजौरी में इलीगल माइनिंग जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, पूरे दरियाओं को तबाह कर दिया गया है। सर, इलीगल माइनिंग जो है वो जोरों शोरों पे चल रही है, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, जहाँ तक इलीगल माइनिंग का है, ये आपने पहले भी इशू रेज़ किया और इस बार फिर आपने रेज़ किया और हमने भी गाय बगा हमेशा ये बात को उठाया और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटल फेल हो चुकी है इसमें, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर रजौरी है जो बड़े दावे करते हैं कि भाई मैं बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो बताओ ये इलीगल माइनिंग कैसे हो रही है। रात को दुनिया देख रही है कि पूरा दरिया रजौरी से ले कर नौशहरा तक पूरा दरिया जो है टिपरों से और ट्रैक्टरों से भरा हुआ होता है, ये जो बड़े डंपर आए हुए हैं जो JCB मशीनें की दूसरी बड़ी बड़ी मशीनें जो आई हुई हैं वो लगी हुई हैं हज़ारों के तादाद में, जो आपके डंपर्स हैं और टिपर हैं वो नालों के बीच में होते हैं। और ये इलीगल माइनिंग से आप देखें कि ये नुकसान खाली हम कहें लोगों को हो रहा है, नहीं हो रहा, इसके साथ साथ लोगों को पानी का नुकसान भी हो रहा है। आप देखें जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसका जो लेवल था वो डाउन कर दिया इन्होंने, और टैंक जो बने हुए हैं जो वहाँ पे ट्यूबवेल बने हुए हैं, ट्यूबवेल ऊपर हो गए और दरिया का लेवल नीचे चला गया है, इसको कोई देख नहीं रहा। और बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि PHE डिपार्टमेंट जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है वो क्या देख रहा है, अगर है तो वो FIR क्यों नहीं लॉज कर रहा है इनके खिलाफ, जो चाहे वो डिप्टी कमिश्नर रजौरी अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाहे DMO रजौरी है जो इलीगल माइनिंग का डिपार्टमेंट है वो क्या देख रहा है इसको। अगर आप ऐसे ही चलते हैं, कुछ ऑफिसर ऐसे हैं पुलिस के भी, कुछ ऑफिसर मैं नहीं कहता सारे, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर भी ऐसे हैं कुछ चौकियों में कुछ थानों में जो साथ होकर इलीगल माइनिंग करा रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर रजौरी इसका सबसे बड़ा अगर कोई रोल बनता है इस इलीगल माइनिंग को रोकने का तो डिप्टी कमिश्नर रजौरी का बनता है। और जब से आप देखें ये आप लास्ट जब से इलीगल माइनिंग इन्होंने शुरू की है, इससे पहले जब माइनिंग के ठेके होते थे तो उसमें लोगों का जो रेट था, रेते का रेट, बजरी का रेट बहुत कम था, पत्थर का रेट बहुत कम था, लेकिन ये 2-3 सालों से जब से इलीगल माइनिंग हो रही है आप देखें रेते का एक एक जो आपका टिप्पर है वो 24,000 का है, वेयर एज जो टिप्पर आपको 6-7 हज़ार में मिलता था, आपकी जो बजरी है जो 15-16 हज़ार में मिलती थी वो आज की डेट में 32,000 की मिल रही है, आपका पत्थर देखिए कितना कॉस्टली हो गया। और ये रेट किसने तय करने थे? डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने करने थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर रजौरी कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलके कुछ नए नए जो अभी कई लोग जीत के आए हैं उनकी सपोर्ट लेके, जब भी डिप्टी कमिश्नर रजौरी के खिलाफ कोई बात रखो तो कुछ लोग उसने खरीदे हुए हैं जो उसकी सपोर्ट में आके बोलना शुरू होते हैं, चाहे कुछ चंद मीडिया के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे ही जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उन्होंने रखे हैं, वो आके उसकी सपोर्ट में कहते हैं जी सब बहुत अच्छे हैं। भाई जी सब अच्छे हैं तो ये इलीगल माइनिंग कैसे हो रही है? मैं उन लोगों के ऊपर भी सवाल खड़ा करता हूँ। हमारी बात ये, मेरी डिप्टी कमिश्नर रजौरी के साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, मेरी एक बात है, मैं कहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर साहब आपको यहां इस डिस्ट्रिक्ट के आप मालिक हैं, आप ऑफिसर हैं, आपका काम है अगर कोई भी इलीगल काम इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है तो आपने रोकना है। जब आपको बार बार आपको क्या आपको खबर नहीं मिल रही कि ये इलीगल माइनिंग हो रही है? क्या आपको नहीं पता किसके किसके क्रेशर पर यह माल जा रहा है और कौन कौन से किस किसके क्रेशर लगे हुए आपको नहीं पता? जिन जिन के क्रेशर लगे हम अब मैं नाम बोलूंगा तो वो कहेंगे जी ये पॉलिटिकल पार्टियों से लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन बात ये नहीं है जिनके भी क्रेशर हैं, जिनके क्रेशरों पे माल जा रहा है, जहां जहां भी ये इलीगल माइनिंग का माल जा रहा है ये किसने कंट्रोल करना है? डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने करना है। और हमें तो यहां तक सुनने आया कि कुछ लोग शरेआम कहते हैं जी हमारा डिप्टी कमिश्नर के साथ एक रिश्ता एक संबंध है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, वो कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो इलीगल माइनिंग कर रहा है, जो माफिया कर रहा है। इसलिए डिप्टी मेरी LG साहब से अपील है कि आप इसमें देखें जम्मू डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर आज सब दरियाओं के अंदर इलीगल माइनिंग हो रही है, और जो बड़ा एक वो बड़ा माफिया जो जो छोटे छोटे जो जिनके पास एक एक टिप्पर है या एक एक अपना वो है ट्रैक्टर है उनको तो दरिया में ये माफिया वाले जाने नहीं देते।
ये जो बड़े बड़े जिनके पास टिप्पर डैम्पर हैं उन लोगों का एक ग्रोह चल रहा है, लेकिन जो छोटा ट्रांसपोर्टर है जिसके पास एक ट्राली है या एक टिप्पर है उनको तो दरिया में नहीं घुसने देते। इसलिए एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंटरवीन करें और डिप्टी कमिश्नर रजौरी का और वहाँ एक कमेटी सेक्रेटरी लेवल से बने जो डिप्टी कमिश्नर रजौरी का और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का रोल चेक करे कि इलीगल माइनिंग में क्या रोल है, चाहे वो डीएमओ है चाहे डिप्टी कमिश्नर रजौरी है। क्यों, अगर ये नहीं रोकेंगे हम तो एक दिन वक्त आएगा। आप देखें पीछे एक आपका ये चिंगस के अंदर एक क्रेशर था, वहाँ एक लड़का मर गया, उसकी इंक्वायरी कहीं नहीं हुई। वो गरीब लड़का था, उसको पूछा नहीं क्यों मरा, क्योंकि उसके अंदर दरिया के अंदर उस दरिया के अंदर इतना गहरा खड्डा हो गया था कि बच्चा गिर के मर गया। लोगों के उन इतने इतने गहरे खड्डे हो गए, कितने लोगों के माल मवेशी मर रहे हैं, वो लोग जो जाते हैं वहाँ पर, बूढ़े जो जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, वो गिर के मर रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी यहाँ एक आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इलीगल माइनिंग का जो माफिया चल रहा है इसको रोकने की जरूरत है। और एलजी साहब से मैं अपील करूँगा कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका रोल चेक करने की जरूरत है और एक बहुत बड़ी इंक्वायरी करने की जरूरत है ताकि इलीगल माफिया जो है, जो इलीगल लाइन माइनिंग कर रहा है, इसको रोका जाए। अगर ना रुका तो एक वक्त आएगा, ना नौशहरा में पानी रहेगा, ना नौशहरा में लोगों का जो दरिया में जो एक दरिया इतने गहरे हो जाएंगे कि आम लोग अपने माल मवेशियों को पानी भी नहीं पिला सकेंगे। सर शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व MLC सुरेंद्र चौधरी जी। इनका साफ कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है तय करना पड़ेगा और इलीगल माइनिंग पे एक्शन लेना पड़ेगा। रात के टाइम हमने एक खबर दिखाई थी आपको कि किस तरीके से धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग चल रही है जिला राजौरी में। आगे भी इस तरह आप जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मेरे कैमरामैन अजय चौधरी के साथ।